चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 3u हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले अगर मैं एक टावर बनाऊं, ये ग्राउंड है और ये आपका टावर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से। जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर से गिर के फिर ये नीचे आएगा फाइनली। जब ये नीचे पहुंच रहा है उसकी वेलोसिटी हो जा रही 3u, तो ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, 2as कह दो, 2as, ठीक है। अब टावर की हाइट को अगर h कंसीडर किया जाए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जिधर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, इंटेंशन ऑफ मोशन जिधर होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और नीचे की डायरेक्शन निगेटिव हो गई। तो एच पॉजिटिव है या निगेटिव है? इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, फाइनल पोजीशन है। तो बताओ एच पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आंसर है निगेटिव होगा। जी की डायरेक्शन किधर होती है? नीचे की तरफ। तो जी निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? आंसर निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग, वाई डायरेक्शन में अगर मोशन का ये इक्वेशन यूज किया जाए तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और sy। तो vy क्या है? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस 3u होगा, ये वैल्यू निगेटिव होगी, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और uy इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्लस u का स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू क्या होगी? माइनस g। sy की वैल्यू क्या होगी? माइनस h, सही है। तो ये हो जाएगा 9u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और ये प्लस 2gh, ये कितना हो जाएगा? 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाई g, ये होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है ना, 4u स्क्वायर बाई g, हाँ करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।